क्योंकि जब बारी आ जाएगी, बारी अगर रोड पे आ जाएगी, एक मिनट बाजू आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा पानी है, संभल के पर निकी जी आप यहाँ पर खड़े रह जाइए, एकदम अच्छा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े बाजू झोला दूंगा। निकी जी यहाँ पर नहीं देखा, अपना यहाँ पर देखना। ठीक है, थोड़ा हाथ नीचे, एकदम स्ट्रेट देखिए बेटा। निकी जी, गणेश उत्सव अभी आया है, क्या कहना चाहोगे फैंस को और कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? फैंस ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 5 मिलियन से ज़्यादा रीच हुआ है, फैंस हमेशा सपोर्ट करते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका सॉन्ग एकदम हिट हो गया। हाँ, और मैं अभी गणपति फेस्टिवल है, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? सेलिब्रेट इको फ्रेंडली गणपति लेके आना है, और क्रैकर्स नहीं जलाना है, साउंड पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना है, बस। मैं खतरों के खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी फिनाले अभी बहुत एकदम नज़दीक है। यस, 21st को हमारा फिनाले है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, देखते हैं अब कौन जीतता है। आप परफॉर्म कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो फिनाले में? फिनाले में शायद से कोई नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कोई कर रहा है। बिग बॉस देख रहे हो क्या? नहीं देख रही हूं। कौन है फेवरेट? कौन ही बता बता तो दिव्या जी या फिर प्रतीक जी? मैम एक क्वेश्चन है छोटा सा, राकेश जी और समिता जी की आपने केमिस्ट्री देखी होगी बिग बॉस के हाउस में? बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट कपल है। अगर आपको चांस मिला और जब सलमान सर आएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री में, तो आप जाना चाहोगे? थैंक यू। निकी जी एक बार पीछे देखो ना।